डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड दो प्रॉब्लम और करेंगे। यहाँ पर इससे पहले हमने यूनिट नंबर 3 में एक वीडियो अब तक बनाकर डाल चुके हैं। आज हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, kx² d2y / dx² + 2x dy/dx = log e base x, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन है। तो हमारा तरीका क्या होता था कि सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारी जो समीकरण है वो क्या है, चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। हमारे पास जो समीकरण है वो कौन सी है, चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में। तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज में लेते हैं। माना z = log e base x, या इसको कैसे कहा जाता है कि x = e की पावर z, हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज में ले रहे हैं, ताकि इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ये जो चर गुणांकों की समीकरण थी वो कन्वर्ट किस में हो जाए, अचर गुणांकों की समीकरण में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम जैसे ही इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर यूज में लेंगे, यानी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों जगह यहाँ पर जहाँ पर इनकी जरूरत होगी, एवं जो गुणांकों को चेंज करने के लिए जो जो हमारे पास प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो करने के बाद हमारा जो रूप है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, कि जो x² d2y / dx² था वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा d d-1, और साथ में क्या आ जाएगा, ये y जो यहाँ पर 2x दिखाई दे रहा है वो क्या बन जाएगा, 2dy बन जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो log z है वो log x है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, z में। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या इसको यदि मैं और सॉल्व करूं तो यहाँ पर बन जाएगा d d-1 + 2d, और दोनों में से जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता था वही हमने दोनों को कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, ताकि जैसे ही मैं वाई को इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पुनः, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले था, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व किया, तो सोल्व किया था हमारे पास आ गया d², ये रहा माइनस का डी, ये रहा प्लस का डी, तो ऐसा करने पर सिर्फ प्लस का डी बचता है और साथ में y = z। हमें जो समीकरण 1 मिली यहाँ पर, ये कम्प्लीटली की कौन सी है, ये हमारे कॉन्स्टेंट गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पर जो पहले कौन सी थी, चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण थी, अब वो कौन सी बन गई, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में वो परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि समीकरण 1 अचर गुणांकों, समीकरण 1 अचर गुणांकों, समीकरण 1 अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण, समीकरण 1 है अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। अब ये यदि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसका हम जो पिछली यूनिट में हमने जो मेथड पढ़ा था उसकी हेल्प से इसको इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है, तो वो मेथड हम यहाँ पर यूज में लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसका CI फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका PI फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं CF की। तो CF के लिए क्या करना पड़ेगा, CF के लिए हम इसको लेते हैं CF निकालने के लिए, कि CF के लिए हम ये मानते हैं सबसे पहले कि माना इसका जो राइट हैंड साइड है, जो पहले हमारा QX होता था, जो अब प्रेजेंट में क्या है, QZ है, क्योंकि वेरिएबल कौन बन गया, Z, तो इसको किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर यहाँ पर मान लेते हैं। अब ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारे पास जो समीकरण है अब वो कन्वर्ट होकर किस में प्राप्त हो जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगी d² + b और साथ में y = 0, ठीक है। ऐसा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, कि यहाँ से हम इसकी सहायक समीकरण इसी गोइंग में प्राप्त कर सकते हैं, सहायक समीकरण इसकी। तो इसकी सहायक समीकरण बनाने के लिए हमने क्या किया, कि d के स्थान पर रिप्लेस कर दिया m, और y के स्थान पर रिप्लेस क्या कर दिया 1। जो हमने यहाँ पर d यूज में लिया है ना, ये d/dx नहीं रहकर यहाँ पर क्या था, इसको भी थोड़ा मेंशन कर लो, कि हमने जो यहाँ पर क्या यूज में लिया है, d यूज में लिया है, ये सिंपल टर्म d नहीं रहकर क्या था, ये d/dz था, जहां जो सिंपल आपको ये d दिखाई दे रहा है ना, ये इस d की वैल्यू कितनी है, d/dz है, ना कि d/dx, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये z वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो सहायक समीकरण हमें क्या मिल जाएगी, d = m तथा y = 1 लिखने पर वो हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर, कि m² + m = 0। यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, m + 1
इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, m इक्वल टू जीरो एंड m इक्वल टू माइनस वन, दो वैल्यू हमें m की यहाँ से प्राप्त हो जाती है। इनके बेसिस पे cf हम कैसे लिखेंगे, cf बराबर हो जाएगा c1 e की पावर m1, m1 की वैल्यू कितनी जीरो और साथ में आ जाएगा z, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x नहीं था जो हम सोल्व कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी वेरिएबल x नहीं है बल्कि उसकी जगह कौन था, z, तो क्या लिख दिया z। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, सी टू ई की पावर माइनस जेड, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था हमें वहाँ पर, हमारा ये क्वेश्चन था, यहाँ पर कहीं पर भी जेड अवेलेबल नहीं है इस पूरी समीकरण में, तो हमारे आंसर में जेड कैसे आ सकता है, तो हम इस जेड को दोबारा कन्वर्ट करेंगे एक्स में, ठीक है। अब इस वाले पहले वाले को देखो, ये तो क्या था, ई की पावर जीरो जेड, इसका मतलब कितना होगा, ओनली सी वन होगा। दूसरे वाले को देखो, सी टू ई की पावर माइनस जेड, तो इसकी पावर यदि मैं माइनस लूंगा तो यहाँ पर भी इसकी पावर माइनस लेनी पड़ेगी मुझे, तो ऐसा करने पर ई की पावर माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स, तो सी टू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी एफ आ गया, ये हो गए आपकी समीकरण नंबर दो, ठीक है। दो रिजल्ट हमें मिल गए, यानी हमने इसको कॉन्स्टेंट वेरिएबल की जो रैखिक अवकल समीकरण है उसमें भी चेंज कर लिया और सी एफ भी फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करेंगे पी आई, तो पी आई इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एफ डी और साथ में क्या होता है, क्यू जेड। जेड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है, अब वो वेरिएबल एक्स में नहीं रहकर कौन से वेरिएबल में है, वो जेड वेरिएबल में, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या यूज में ले रहे हैं, जेड वेरिएबल यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। आगे देखिए, वन अपॉन एफ डी, एफ डी की जगह क्या दे रहे हैं यहाँ पर, अब डी एंड डी प्लस वन, मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया था, डी कॉमन ले लिया था यहाँ से, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा ये, डी ब्रैकेट डी प्लस वन। और क्यू जेड, क्यू जेड का मान कितना है देखो ऊपर, क्यू जेड का मान हमारे पास कितना है, जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड। इसको सोल्व करना इसी प्रकार से जैसे एक्स की पावर एम को हम सोल्व करते थे ना, ठीक उसी प्रकार का मैटर यहाँ है कि जैसे एक्स की पावर एम को सोल्व किया जाता था वैसे जेड की पावर एम के लिए भी उतना ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा कि वन अपॉन डी को तो मैंने एजिटिस रखा और ये क्या बन जाएगा कि डी प्लस वन की पावर माइनस वन जेड, इस तरीके से ये हो जाएगा। ऐसा करने पर हमारे पास क्या होगा, और देखो कि वन अपॉन डी, डी प्लस वन इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी, इसको आप चाहे वन प्लस डी भी लिख सकते हो, तो सबसे पहले वन प्लस एन डी, तो एन डी की वजह से कितना आ जाएगा, माइनस का डी, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, फिर डी स्क्वायर, लेकिन डी स्क्वायर कोई काम का नहीं है क्योंकि हमें तो कितने चाहिए थे, केवल काम का, वैसे तो डी स्क्वायर कोई काम का नहीं है क्योंकि जेड की पावर कितनी है, वन है, तो वैसे तो डी स्क्वायर काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वन अपॉन डी लग रहा है ये डी स्क्वायर को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर देगा, डी में, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या यूज में ले रहे हैं, डी स्क्वायर को भी शामिल कर रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा प्रत्येक पद से तो ये जो डी स्क्वायर है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, डी में, और डी भी हमारे काम का होता है, तो इस वजह से मैंने डी स्क्वायर को भी यहाँ पर शामिल कर लिया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या किया हमने, डी से प्रत्येक पद को डिवाइड कर दिया, तो वन अपॉन डी एक आ जाएगा माइनस वन और एक आ जाएगा सिंपल डी, और भार क्या लगेगा सभी के ऊपर, जेड, तो जेड को मैं जैसे ही सभी के ऊपर आरोपित करूंगा, जेड को मैं जैसे ही सभी के ऊपर अप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, पी आई में मुझे पी आई में मिलेगा सबसे पहले क्या, वन अपॉन डी, वन अपॉन डी का मतलब क्या होगा कि जेड का विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन आपको करना है, क्योंकि डी कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, हर में है, इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, जेड का इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, जेड स्क्वायर बाई टू, उससे अगले में कितना है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा क्या जाएगा, ओनली जेड आ जाएगा, उससे और आगे गए यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वन में। तो इस तरीके से हमारे पास पी आई में क्या आ गया, जेड स्क्वायर अपॉन टू माइनस जेड एंड प्लस वन, सभी में यहाँ पर जो प्रत्येक पद है वो जेड के रूप में आया है। और हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी जेड नहीं था, ओनली वेरिएबल वाई एंड एक्स थे, तो यहाँ पर जेड कैसे आ गया, तो क्यों ना जेड को दोबारा आप एक्स में कन्वर्ट करो, तो हमने यहाँ से रिलेशन देखा कि सिंपल जेड को कैसे लिखा जाता है, लॉग ई बेस एक्स लिखा जाता है, तो क्यों ना इसको भी वैसे ही लिखे, तो हमने क्या लिखा, लॉग ई बेस एक्स का होल स्क्वायर एंड बाई टू, पहला पद तो ये हो गया, दूसरे में क्या आ गया, लॉग ई बेस एक्स हो गया और साथ में कितना आ गया, प्लस वन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करके यहाँ पर लिख लिया, और भी यदि हम वन को भी यहाँ से हटाना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग e बेस x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो क्या बन गया, लॉग e बेस x, और यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस वन, और माइनस वन को कैसे लिखा जा सकता है, लॉग e बेस e लिखा जा सकता है, क्योंकि लॉग e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1,
तो दैट इज वन, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर ऊपर भी वन। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log e बेस x का होल स्क्वायर बाय 2, एंड नीचे यहाँ से क्या आ जाएगा log x को ऊपर, और ये सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन की वजह से नीचे क्या आ जाएगा e। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ला करके इसको छोड़ सकते हैं, और ये हमारे पास क्या था पी आई था। तो हमारे पास सी एफ भी प्राप्त हो गया, पी आई भी प्राप्त हो गया, तो हमारी जो समीकरण थी उसका कंप्लीट जो आंसर कैसा होगा, अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल, समीकरण का हल हम उसी तरीके से देंगे कि y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारे पास यहाँ पर था और पी आई हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमारे समीकरण का आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल टू सी एफ। सी एफ नोट कीजिए, सी एफ हमारे पास क्या मिला था यहाँ से देखो, सी एफ ये था, तो क्या आ जाएगा सी वन एंड सी टू एक्स इनवर्स यहाँ तक, फिर यहाँ से देखा तो हमारे पास क्या आ गया log e बेस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस का log e बेस x अपॉन e। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सोल्व करके इस तरीके से लिखा, जो log ये इसके नीचे है x के नीचे, तो क्या आ जाएगा e। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे, यानी हमारे पास जो चर गुणांकों की समीकरण होगी तो उसे हम इस मेथड से क्या करेंगे, इजी गोइंग में उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप भी घर पर जो हमारे पास अनसॉल्व क्वेश्चन एवं जो सॉल्व क्वेश्चन है उनको आप बारी बारी से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको अच्छे से ये मेथड क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको भी कराते हैं एक बार। ठीक है, इसके अलावा भी हम इसको थोड़ा और चेंज करना चाहें तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा था कि यहाँ हमारे पास क्या आया था, ये था कि log e बेस x, हमने इसको वन को किस में कन्वर्ट कर लिया था log e में, तो यहाँ पर आप ये भी एक तरीके से यूज में ले सकते हो रिजल्ट कि वन भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट था, और जब आप इसमें सी एफ जोड़ोगे तो सी एफ में भी हमारे पास कॉन्स्टेंट कौन है सी वन, तो आप इसको एक नए कॉन्स्टेंट के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं कि ये जो तरीका होगा वो भी आपका गलत नहीं होगा, यानी सी एफ में जब आप सी वन लिखो तो सी वन के साथ ही जो वन था इसको कनेक्ट करके हम एक नए कॉन्स्टेंट के रूप में इसको लिख सकते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि इस तरीके से आप इसको इस फॉर्मेशन में लिखते हो तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दोनों ही तरीकों से आपका क्वेश्चन कंप्लीटली क्या होगा सही होगा बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से ये दिया गया है, तो हमारा काम क्या होगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज में लेना। तो हमने क्या लिखा कि लेट z इक्वल टू log e बेस x, देयर x इज इक्वल टू e की पावर z, हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन यूज में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ये हम इसलिए यूज में ले रहे हैं ताकि हमारे पास जो चर गुणांकों की जो रैखिक अवकल समीकरण है वो कन्वर्ट होकर इसमें आ जाए, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में आ जाए, क्योंकि उसे सोल्व करना हमें आता है पहले से ही। तो हमें बस इतना सा करना था कि चर गुणांकों की समीकरण को कन्वर्ट करना था अचर गुणांकों की समीकरण में, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज में लेंगे, तो ऐसा करने पर हमारी जो समीकरण होगी वो कैसी हो जाएगी कि जो एक्स स्क्वायर था वो कैसे लिखा जाएगा कि डी एंड डी माइनस वन, इस तरीके से जो दूसरा है वो क्या जाएगा थ्री डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर एक है इस वजह से इसको एक बार खोला, लास्ट में कितना है वन, और सभी में जो वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था
सॉरी जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वाई उसको कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। और ऐसा करने पर नीचे देखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन। वन को आप जेड के पदों में कैसे लिखना चाहोगे, वन को हम कैसे लिखेंगे जेड के पदों में, क्योंकि हमें चाहिए जेड इक्वल टू वन चाहिए। तो हमने देखा कि लोग ई बेस ई को हम क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लोग ई बेस ई। अब बात आती है एक्स की, तो एक्स को कैसा लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं चाहे आप इसको ऐसा लिख लो, यहाँ पर छोड़ो इसको, हमने लिखा वन को तो वन लिखा और एक्स को कितना लिख लिया, ई की पावर जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। हमें यहाँ से कंप्लीट में से एक्स को हटाना था, तो एक्स को हटाने के लिए हमने क्या यूज में लिया कि जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या लिख दिया, ई की पावर जेड लिख दिया, और जो वन था उसको एज इट इज नोट कर लिया अभी के लिए तो, और जहाँ जरूरत होगी हम इसको दोबारा फिर से चेंज कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो अब वो कन्वर्ट होकर कैसा हो गया, डी स्क्वायर माइनस डी, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस थ्री डी और प्लस वन, इस तरीके साथ में वाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा। और आगे देखो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा कि डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन वाई इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास वही रहेगा कि वन माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, वन माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए इसको तो ये भी हमारे पास एक सूत्र बन रहा है कि d प्लस वन का होल स्क्वायर, तो जब जरूरत होगी उसको यूज में ले लेंगे जहाँ जरूरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे समीकरण नंबर हमें जो एक मिल गया वो, तो समीकरण एक की विशेषता क्या है कि समीकरण जो एक है, समीकरण नंबर जो एक है वो क्या है, जेड में रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, वो भी अचर गुणांकों की। कौन सी है, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। तो इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, इसका सी एफ फाइंड आउट करेंगे पहले। तो सी एफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो क्यू जेड हो गया यानी जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको किसके बराबर कंसिडर करो, जीरो के बराबर। तो हमने इसको किसके बराबर कंसिडर कर लिया, जीरो के बराबर। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आगे बढ़े हमारे पास, तो यहाँ से ऐसा करने पर हमारे पास आ जाता है डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन का होल स्क्वायर, सॉरी बाहर वाई इक्वल टू जीरो। अब ऐसा करेंगे तो यहाँ से इसकी क्या लिख सकते हैं, सहायक समीकरण लिख सकते हैं। तो इसकी जो सहायक समीकरण होगी वो क्या हो जाएगी, सहायक समीकरण सभी को आने लग गए अब, तो सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो सहायक समीकरण इसकी हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको सोल्व किया जाए तो एम की वैल्यू हमारे पास वो आ जाती है माइनस वन कॉमा माइनस वन, क्योंकि ये जो समीकरण थी वो क्या थी, एम प्लस वन का होल स्क्वायर। और एम प्लस वन के होल स्क्वायर को जब सोल्व किया जाता है तो एम की दो समान वैल्यू हमें माइनस वन का सा माइनस हमें प्राप्त यहाँ पर हो जाती है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यू के साथ सबसे पहले हम लिखेंगे सी एफ, और सी एफ के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका पी आई ज्ञात करेंगे आप। तो आगे चलो उसको लेकर, सबसे पहले लिखते हैं इसका सी एफ। तो यहां से आप देख पाओगे कि इसका सी एफ क्या हो जाएगा, यहां से इसका जो सी एफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, सी वन साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले वहां पर एक्स यूज में ले लेते थे, यहां पर एक्स है ही नहीं तो यहां पर कौन लेंगे हम, वेरिएबल जेड यूज में लेंगे, तो सी वन जेड एंड सी टू, और साथ में क्या आ जाएगा ई की पावर जेड। ये क्या लिखोगे, e की पावर जो हमारे पास आया था m, m की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो क्या लिखोगे माइनस जेड यहाँ पर, इस तरीके से। लेकिन ऐसा करने पर हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ z में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हमें किस में चाहिए थे, हमारे आंसर x में चाहिए थे, तो क्यों ना इनको चेंज करके हम x में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि जो सिंपल z होता है, सिंपल z को इसकी हेल्प से किस में लिख देते हैं, log x में। तो एक तो क्या आ जाएगा सी वन लॉग ई बेस एक्स, दूसरा है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को क्या लिख देंगे, कॉन्स्टेंट ही लिख देंगे। अब रहा e की पावर माइनस जेड, तो हमने देखा था यहाँ पर कि जब x की पावर 1 होती है तो e की पावर z लिखा जाता है, और इसकी दोनों का यदि मैं इनवर्स ले लेता हूँ तो उधर तो हो जाएगा e की पावर माइनस जेड, और इधर क्या हो जाएगा x इनवर्स, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको x इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे इसका सी एफ यहाँ पर लिख पाएंगे। अब सी एफ हमें मिल गया, हमने इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे इसका पी आई, ठीक है। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आई निकालने के लिए हमारा तरीका होता है क्या कि हम इसको लिखते हैं कि वन अपॉन क्या लिखते हैं, इसको वन अपॉन एफ डी, और साथ में क्या लिखते हैं गुणा में क्यू जेड,
तो जैसे हम उसको लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्यू एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी जो क्यू जेड का जो हमारा मान होगा, वो तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है क्यू जेड का मान, तो ये ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि जो हमारे पास एफ डी होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कि डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, तो दोनों को यहाँ पर रखा जाए। तो पहले तो हम पी आई लिख लेते हैं कि पी आई बराबर क्या होता है, वन अपॉन एफ डी और साथ में क्या आ जाता है क्यू जेड, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इनकी वैल्यू फिल करें तो वन अपॉन एफ डी, एफ डी जी क्या आ जाएगा यहाँ पर कि डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, उसे कैसे लिखा जा सकता है कि डी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात है क्यू जेड की, तो क्यू जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू जेड हमारे पास हो जाएगा कि वन अपॉन वन माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ये सिचुएशन हमारे पास आई है पी आई याद करने की, ये हमने जो लेसन नंबर जो हमने या चैप्टर नंबर जो हमने तीन में जो पढ़ा था, उनमें से हमने जो विशिष्ट जो रूप पढ़े थे उनमें से किसी एक के भी अंतर्गत ये नहीं है। सबसे पहले हमने विशिष्ट रूप पढ़ा था कौन सा, सबसे पहले हमने पढ़ा था ए की पावर ई की पावर ए एक्स वाला, कि जब क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ई की पावर ए एक्स हो, तो वो वाला पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ा था हमने कौन सा, साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स वाला, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने एक्स की पावर एम, फिर उसके बाद कौन सा पढ़ा था ई की पावर ए एक्स डॉट वी का, और लास्ट में कौन सा पढ़ा था एक्स डॉट वी। तो उनमें से किसी के भी अंतर्गत यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि ना तो मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, ऊपर ले जाऊंगा तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशंस के द्वारा क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, तो उसका एंड पॉइंट भी कोई नहीं होता है वहाँ पर। तो इसके लिए हम हमारा यूनिवर्सल मेथड होता है, यानी शुरुआत में हमने चैप्टर नंबर तीन को जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला जो हमने तरीका पढ़ा था ज्ञात करने का, वो यूनिवर्सल मेथड होता है, यानी उसके द्वारा तो किसी भी टाइप का आपके पास कोई भी पी आई हो तो वो तो बिल्कुल ज्ञात होगा ही होगा। तो उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उस मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, उस मेथड के लिए हम हमारे पास जितनी भी यहाँ पर जो एफ डी होता है उसको ब्रेक करके यानी फैक्टर्स के रूप में वहाँ पर उसको अलग अलग कर लेते थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी प्लस वन यानी टू टाइम है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि वन अपॉन डी प्लस वन, ठीक है, और एक डी प्लस वन को इसके साथ ले लेता हूँ यहाँ पर डी प्लस वन। अब जैसे ही इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम किसको अप्लाई करेंगे, इस दूसरे वाले को जो सेकंड वाला है ना ये डी प्लस वन उसको। तो एक बार हम इसको अप्लाई कर लें तो यहाँ पर कितना था कि वन अपॉन वन माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो पहले हम पहले वाले जो वन अपॉन डी प्लस वन इसको अप्लाई करेंगे, और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद हम बाहर वाले को करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा तरीका क्या होता था, फैक्टर करने का। तो फैक्टर कर लो चाहे आप एक एक को बार बार से इस तरीके से प्रयोग करो, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। अब यहाँ से पहले वाले की बात की जाए तो वहां पर हमारा तरीका क्या होता था, वहां पर जो हमारा तरीका होता था वो कुछ इस तरीके से था कि हम यहाँ पर जो d का जो वैल्यू होती है उसको किस तरीके से लेते थे, ये तो हो गया बाहर वाला। अब अंदर वाले पे आ जाओ, d का जो भी मान हमें मिलता था उसको हम ज्ञात करते थे यहाँ पर। तो d की वैल्यू को यदि आप ज्ञात कर दो, d की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, तो उसको हम कहाँ प्रयोग करते थे, e की पावर अल्फा, इसको अल्फा बोलते थे वहां पर, तो e की पावर अल्फा x के रूप में लिखते थे, लेकिन यहाँ तो z की फॉर्म में, तो यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर अल्फा जेड की फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो ये आपको ये चीज आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, मैंने जब आपको चैप्टर नंबर थ्री पढ़ाया था तो उस समय हमने ये बात की थी वहां पर कि ये हमारा जो शुरुआत का जो मेथड था हमारा चैप्टर नंबर थ्री में, वो यूनिवर्सल मेथड था, ठीक है, यानी वो तो हर कंडीशंस के लिए वर्क करता था। तो हमारे पास ये जो प्रेजेंट में जो हमारे पास सिचुएशन आई है, ये हमारे पास जो हमने विशिष्ट रूप पढ़े थे यानी क्यू एक्स की जो विशेष फॉर्म हमने पढ़ी थी उनमें से किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं है ये, तो क्यों ना इसको यूनिवर्सल मेथड से किया जाए। तो इस वजह से हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, यूनिवर्सल मेथड यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि हर प्रकार के पी आई ज्ञात करने के लिए वैलिड होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ई की पावर अल्फा, अल्फा यहाँ पर ये होता है कि जो भी अल्फा मिलेगा आप उसको अप्लाई करो वहां पर। तो यहाँ पर हमें अल्फा क्या मिला, माइनस वन, तो मैं माइनस वन को यहाँ प्रयोग करके कैसे लिखूंगा कि माइनस का जेड, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह आ जाता था। उसके बाद जैसा यहाँ अप्लाई किया उसके जस्ट अगर अपोजिट, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर अप्लाई कर चुके तो अंदर पहुंच जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ अप्लाई करते तो अंदर पहुंच जाएगा पॉजिटिव, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा क्यू एक्स। तो क्यू एक्स कितना है कि वन अपॉन वन माइनस ई की पावर जेड का होल स्क्वायर डी जेड, ठीक है। इस तरीके से हम उसको खोल कर वहां पर लिखते थे। कुछ बात समझ में आई आपको कि एक एक फैक्टर को हम अंदर लेते जाते हैं, उसके साथ प्रोसेस की जाती है, और फाइनली प्रोसेस होने के बाद फिर दूसरा फैक्टर वहां पर यूज में लेते हैं। एक तो ये वाला तरीका था, एक था कि जितने भी हमारे पास एफ डी होती थी उसके फैक्टर कर दो आप वहां पर, ठीक है, हमने वहां पर किए भी थी, और उन फैक्टर को करके पार्शियल जो इंटीग्रेशन करने का जो पार्शियल वाला जो मेथड है वो वाला कर लो,
उसके बाद प्रत्येक के ऊपर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे इसको एक बार देखना अपनी कॉपी में कि जो हमने मेथड कराया था वहां पर कुछ इस तरीके से कराया था कि हम उनको बाद में प्रत्येक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक तरीका तो वो था, अदरवाइज दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि आप एक एक को अप्लाई करते जाओ और रिजल्ट को फिर उसके ऊपर दोबारा फिर से अप्लाई करो जब तक कि हमारे सारे एफडी खत्म नहीं हो जाते तब तक। तो हमारा एक तो यहाँ पर यूज में आ चुका है, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका आप जानते हो कि यदि मैं 1-e की पावर z को कुछ मान लेता हूँ तो ये थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि लेट 1-e की पावर z इक्वल टू t, ये हमने कंसिडर किया। इसको मैं यदि डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, -e की पावर z dz इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। यहाँ से इसको मैं सोल्व करूँ तो e की पावर z dz इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का dt। यानी मुझे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस dt, तो ये मेरे पास ऊपर है तो उसकी जगह कितना लिख पाऊंगा मैं, माइनस का dt। अब बचा नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा कि 1-e की पावर z का होल स्क्वायर, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा देखो, t स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो कंप्लीट जो फॉर्म ऑफ किसमें कन्वर्ट हो गई, t में। तो इसको हम यहाँ t की फॉर्म में कन्वर्ट करके अब लिखते हैं यहाँ पर। तो आगे हमारा क्या होगा, इससे अगला पार्ट होगा हमारे पास, इससे अगला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। यानी क्या लिख पाएंगे कि 1/b+1, ये तो यहाँ तक का हो गया। अंदर वाले पार्ट की बात की जाए तो ये तो हमारे पास बाहर वाला था ही, e की पावर माइनस z, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में, इंटीग्रेशन dt, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, t का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका तो इंटीग्रेशन बड़ा इजी होता है क्योंकि 1/t का t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/t, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस का 1/t। तो d प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस z, और सिर्फ कितना आ जाएगा 1/t, और वो भी किसका, नेगेटिव का, इस तरीके से। लेकिन जो वास्तव में t है वो क्या था, वास्तव में जो t था वो तो कितना था कि 1-e की पावर z था यहाँ पर, 1-e की पावर z। तो दोबारा इसको मैं यदि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/d+1, और यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाई, नेगेटिव चिन्ह और आ जाएगा यहाँ पर, तो नेगेटिव को और हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, एक गड़बड़ हमने कर दी यहाँ पर, जो माइनस dt था वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो माइनस dt लिखता मैं तो यहाँ पर क्या मिलता मुझे, माइनस dt, और उस माइनस dt के हेल्प से जो मरने वाला नेक्स्ट जो माइनस का 1/t था वो वहाँ से कैंसिल होकर क्या बना देता, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। नीचे क्या आ जाएगा t के स्थान पर, अब तो t के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1-e की पावर z। तो अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रहा ये वाला रहा, और अभी भी एक हमारे पास एक फैक्टर और अवेलेबल है, तो फिर से इसी प्रोसेस को दोहरा। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो -1 को फिर से उसी तरीके से e की पावर माइनस z, और अंदर कौन जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, तो e की पावर प्लस z अब चले गया, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, जो qx qz आपका था वो, तो e की पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 1-z, और यहाँ कितना आ जाएगा dz। ये दोनों के अपोजिट पावर्स के, ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो दोनों यहाँ से कैंसिल होकर आपको कह देंगे 1, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो हमारे पास क्या रहा, e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन 1/1-e की पावर z dz। अब हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है आपका, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि फिर से कंसीडर करो कि लेट 1-e की पावर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, t। कंसीडर कर लिया यहाँ पर, आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0-e की पावर z dz इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया कि माइनस e की पावर z dz इक्वल टू dt, इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्या होगा। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, माइनस e की पावर z dz इक्वल टू जो dt किया, उसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, ऊपर। लेकिन तब कर पाएंगे जब हमारे पास केवल dz हो, तो अभी भी जो e की पावर z है वो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, और साथ के साथ क्या नेगेटिव साइन और आ गया यहाँ पर, तो क्यों ना नेगेटिव साइन भी हटे, e की पावर z भी हटे। तो इनको हटाकर यदि मैं राइट हैंड साइड यानी यहाँ ले जाता हूँ dt के पास, तो वहां तो ये t की फॉर्म में, तो ये z क्या कार्य करेगा वहां पर, तो क्यों ना z को भी आप t में ही कन्वर्ट करो। तो हम दोनों को इस तरीके से कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इंप्लाइज दैट कि dz इक्वल टू माइनस का 1/, इस तरीके से e की पावर z। अब e की पावर z की हम वैल्यू लिख सकते हैं कहां से, यहां से। तो e की पावर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहां से, जब e की पावर z तो इधर चले जाएगा, तो t इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1-t, और साथ में क्या है, dt। तो इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। इसके अलावा भी क्या लिख सकते हैं, या dz इक्वल टू, आप क्यों ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा टी माइनस वन डी टी। तो फाइनली हम dz की जगह क्या लिख सकते हैं, और जो हमारे पास dz था उसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन t माइनस 1 dt। तो हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो गई कि जो dz था उसकी जगह तो क्या लिख पाऊंगा कि 1 अपॉन t माइनस 1 dt, और जो नीचे था उसकी जगह क्या लिख पाऊंगा मैं t। तो सारी चीजें लिखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट कि e की पावर माइनस है, ये तो हमारे उससे बाहर था तो इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इंटीग्रेशन dz की जगह तो क्या आ जाएगा ये, और इसकी जगह क्या आ जाएगा t, तो 1 अपॉन t एंड t माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा dt। इस तरीके से मैं इसको लिख पाऊंगा, हो गया। अब हमारे पास ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यदि हम इसको भी सॉल्व कर सके, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो किस तरीके से, कि ये हमारे पास एक फैक्टर तो t है और दूसरा फैक्टर कौन सा है, टी माइनस वन। तो पहले हम दोनों को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, चूंकि क्या होगा, सिंस 1 अपॉन टी एंड टी माइनस 1, इसको आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से कि 1 अपॉन टी माइनस का 1 अपॉन टी माइनस 1। एक बार देखो देखा ऐसा करने पर राइट आता है क्या, क्योंकि ये इधर को जाएगा, ठीक है, ये इधर को जाएगा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा टी माइनस 1, और ये जब इधर को जाएगा तो ओनली क्या आएगा टी, किसका, नेगेटिव का, तो वो टी से टी को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास अभी भी नेगेटिव का साइन हो रहा है यहाँ पर, तो नेगेटिव को साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या ले लिया, टी माइनस वन को तो पहले ले लिया, ठीक है, और यहाँ किसको ले लिया, टी को। अब देखिए, अब बिल्कुल हमारा जो एलसीएम है वो बिल्कुल राइट आएगा पहले की तरह। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर टी माइनस वन, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर टी। तो टी में से कौन जाएगा, माइनस का टी और प्लस का वन, तो वही हमें ऊपर क्या मिलेगा, प्लस का वन, और नीचे एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, टी एंड ब्रैकेट टी माइनस वन, यानी वही फैक्टर दोबारा आ जाएगा। तो इस पद को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास इसका जो कंप्लीट आंसर है वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम स्टार्ट करते हैं यहां से, तो आगे हमारे पास होगा pi इज इक्वल टू क्या जाएगा, वहां से देखो e की पावर माइनस z, ये तो हमें मिल गया यहां पर, ब्रैकेट इंटीग्रेशन, एक तो क्या आ रहा है देखो 1 अपॉन t माइनस 1 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है माइनस का 1 अपॉन t, और दोनों के साथ में क्या आ जाएगा dt, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा आगे यहाँ पर, तो इससे आगे की हम बात करें तो हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना है और इसका भी इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ से देखिए e की पावर माइनस z, ठीक है, यहाँ से इसका आप जानते हो कि ये इस तरीके का है जैसे 1 अपॉन x है ना, उस तरीके से, क्योंकि जैसे ही मैं इसको यदि कुछ लेकर भी यदि करता हूं तो उसकी वैल्यू उतनी आती है जितनी dt के बराबर होती है। तो ये हमारे जैसे 1 अपॉन x है ना, तो उस तरीके का है, बिल्कुल इस पर कोई प्रभाव ये नहीं डाल रहा। तो सीधा सीधा इसका कितना हो जाएगा, log t माइनस 1 हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, log t माइनस 1। एक बार और चेक कर लो, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी यहाँ पर, हमने जो यहाँ पर ब्रेक किया है इसको वो किस तरीके से किया, इस तरीके से कि यहाँ पर आ गया था कि 1 अपॉन t एंड t माइनस 1। इसका यदि दोबारा एलसीएम लिया जाए यहाँ पर तो वही बनेगा कि t एंड t माइनस 1, t यहाँ पर जाएगा तो दूसरा वाला कहाँ पर जाएगा, वहां पर, तो उधर तो हो गया t और इधर क्या, इधर को क्या हो गया माइनस का t और प्लस का, और तो माइनस के t से वो कैंसिल हो गया, ठीक है, हमारा ये जो हमने किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा कुछ इस तरीके से कि log t माइनस 1, और यहाँ से क्या जाएगा log t, दोनों इस तरीके से ही हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, फिर क्यों ना हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करें, कि जो टी है वो टी थोड़ी था, टी की वैल्यू तो यहाँ पर क्या थी, 1 माइनस ई की पावर जेड, इस तरीके से था। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा लोग टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह वहां से देखिए टी की जगह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर जेड माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है। आगे गए यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा log t की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस e की पावर z, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब फिर इनको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में हम इसको फिर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, और यहां से कितना आ गया e की पावर माइनस z, कुछ इस तरीके से आ गया, और यहां पर क्या आ गया, कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहां से हम दोनों को यदि नोट करें हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस z
और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा log माइनस जेड इस तरीके से, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, माइनस log e की पावर 1 माइनस e की पावर z इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमें दोनों को सेट, क्या होता है कि जो z हमें e की पावर जो z की वैल्यू जो नेगेटिव मिली है वो वास्तव में क्या है कि log के अंतर्गत कोई भी जो इनपुट वैल्यू होती है, यानी जो भी आप मान रखोगे उसका मान कभी भी क्या नहीं होता, उसका मान नेगेटिव नहीं होता। तो वैसे तो हम जब log को लिखते हैं तो यहाँ पर मोड के रूप में उसको लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला आपको, माइनस ई की पावर जेड मिला है आपका। तो वास्तव में जो log के अंदर जो वैल्यू इनपुट दी जाती है वो कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो ये भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि log को अंदर जब भी कोई वैल्यू लिखी जाती है तो उसको इस तरीके से लिखी जाती है, log e बेस मोड ऑफ x, यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि log के अंतर्गत कभी भी नेगेटिव वैल्यू का अस्तित्व नहीं होता। नेगेटिव वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू सदैव क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। तो जब इस प्रकार का log कोई डिफाइन है तो डिफाइन वो तब हुआ होगा जब वहां पर मान क्या होगा, उसका पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू मिली है e की पावर माइनस e की पावर जो माइनस जेड है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी ना e की पावर जेड, ये निश्चित ही क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, ताकि इस नेगेटिव को क्या कर देगा, ये कैंसिल। चाहे हम यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस e की पावर z, तो यदि e की पावर z की वैल्यू यदि 1 से बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, जो कि log के लिए बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए log होता ही नहीं है बिल्कुल। log की वैल्यू सदैव पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या था कि जो e की पावर z था नेसेसरी बिल्कुल ये क्या था, माइनस से भी छोटा था, ताकि माइनस से छोटा होने पर ही माइनस से माइनस मिलकर क्या बनाएगा, इसको पॉजिटिव बनाएगा। तो वास्तव में मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि log के अंदर कोई भी इनपुट वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव की बात की जाए तो यहाँ पर हम इसको लें तो इसको किस रूप में ले, पॉजिटिव रूप में। तो आगे हम इसको किस तरीके से लेंगे, कुछ इस तरीके से लेंगे। ये बात समझ में आ गई ना आपको कि हमने क्यों ले रहे हैं इसको पॉजिटिव, क्योंकि log के अंतर्गत कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, और यदि नेगेटिव वैल्यू होगी तो log वहां पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसका मान डायरेक्ट क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। तो इस तरीके से हम जब भी log लेते हैं तो उसको पॉजिटिव एंड मोड लगाकर उसको लेते हैं। तो ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो दोनों कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर माइनस जेड, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया आपको कि log e की पावर जेड एंड नेगेटिव की वजह से यहाँ कितना हो गया, 1 माइनस e की पावर जेड, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास क्या रहा, सिर्फ इसको एक्स में कन्वर्ट करने का कार्य रहा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान देनी है यहाँ पर कि ये जो नेगेटिव है इसको हमने क्यों हटा दिया, इसलिए हटा दिया क्योंकि log की जो अंदर जो इनपुट दिया जाता है, जो वैल्यू रखी जाती है वह सदैव पॉजिटिव क्वांटिटी की होती है। अब यहाँ पर तो आपको भले जैसा नहीं दिखा दे रहा हो, लेकिन वास्तव में e की पावर जो z था इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ पर, तब जाके ही ये जो पद है वो डिफाइन हो सकता है यहाँ पर। तो जब ये नेगेटिव होगा तो इस नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसिल करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा होगा वहां पर। तो उसके बजाय हम इसको क्या लेकर चलते हैं कि log में जितनी भी वैल्यू लिखी गई जाती है उनको मापांक रूप में लेकर चलते हैं, यानी जब भी आपको log के अंतर्गत यदि माइनस मिल रहा है वहां पर तो निश्चित ही वहां पर क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल गया, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, x में। अब x में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा आपको, e की पावर माइनस जेड। e की पावर माइनस जेड को हम जानते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, x इनवर्स से, चूंकि यहां देख लो, चूंकि z इक्वल टू क्या होता है, log e बेस x, और x इक्वल टू क्या होता है, e की पावर z होता है। तो यदि मैं इसकी पावर यदि इनवर्स लेता हूं तो मुझे इधर को भी क्या लेना पड़ेगा, इसकी पावर इनवर्स लेना पड़ेगा, तो इसकी घात किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस जेड। तो e की पावर माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इनवर्स। यहां देखा तो यहां क्या हो गया कि ये तो सिंपल आपको x मिल गया और नीचे क्या मिल गया, 1 माइनस x मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके पीआई को फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनली हमें इसका जो पीआई था, यानी हमारा जो क्वेश्चन था उसका पीआई हमें क्या प्राप्त हो गया, उसका पीआई हमें मिल गया x इनवर्स log x अपॉन 1 माइनस x। अब हमें उस इक्वेशन का कंप्लीट यदि आंसर देना हो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका, यदि हमें कंप्लीट आंसर देना हो तो क्या लिखेंगे, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हम लिखेंगे y इक्वल टू सी एफ। सी एफ की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो, सी वन log e बेस x प्लस सी टू, और साथ में कितना है, x इनवर्स प्लस, और क्या आ जाएगा यहां से, और यहां से आ जाएगा x इनवर्स log और क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस x। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा,
उस इक्वेशन का कंप्लीट आंसर कुछ इस तरीके से होगा। तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होगी तो उसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको जो मैंने मेथड बताया वो समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने जो पीआई ज्ञात करने का जो रूल यूज में लिया है वो कौन सा लिया है, यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल मेथड होता है वो यूज में लिया है। क्यों लिया है इसके बारे में आपको बताया था, वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो क्यू एक्स था वो हमारा जो विशिष्ट फलन वाले जो हमने जो चार या जो पांच गुणधर्म पढ़े थे उनके अंतर्गत किसी में भी बिलोंग नहीं करता, और किसी में भी बिलोंग नहीं करता तो उसमें एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा, यानी उन मेथडों से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमने इसको किससे किया है, यूनिवर्सल मेथड से हमने इसको किया है, ठीक है। जो कि हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला जो मेथड था किसका, यूनिट नंबर 2 में जो थर्ड एक्सरसाइज थी उस वाली का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त कर लिया, इसका संपूर्ण हल यानी y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई हमने यहाँ पर ज्ञात कर पाए। अगर इसके बाद भी यदि आपको थोड़ी बहुत भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को आपको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके एवं सॉल्व करके आपको नए वीडियो में अवेलेबल करा सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।